आज हंगामा रहा परिषद की बैठक में, आपने बिजली का मुद्दा और कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर अपनी बात को रखा, क्या कहेंगे? जो भ्रष्टाचार है उसके लिए बोलना पड़ता है। अभी एक डेढ़ महीने नई स्ट्रीट लाइटें जो कंपनी की लाइट बहुत महंगी है, महीने भर की नहीं चली, 100% लाइटें खराब है। आदरणीय सीएमओ साहब और पूरी पब्लिक को अवगत कराया गया कि भविष्य में ऐसा ना हो, लाइट मंगाए कंपनी की मंगाए गारंटी की मंगाए और इन लाइटों को वापस करके दूसरी लाइटें मंगाइए। नहीं, लगभग डबरा के जो विकास कार्य जो मूल जो सब ज़्यादा ज़रूरत के जो काम है, बल्कि जो विपक्ष के जो पार्षद हैं जो हंगामा कर रहे हैं उन्हीं के लोगों के ज़्यादा काम थे और लगभग सभी काम पास भी कर दिए गए हैं। एक दो मुद्दे हैं, वो हंगामे की रही बात, तो हंगामा तो पिछली लगातार 3 मीटिंगों में हंगामा ही करते हैं। उन्हें तो केवल एक बहाना चाहिए हंगामा करने का, बिना मुद्दा के बिना किसी बात के वो हंगामा करते हैं और बैठ जाते हैं, उधम करते हैं, उनका कोई काम नहीं है। और डबरा के विकास के लिए उनका हमेशा अड़बंगा लगाने का काम है। और पिछली बार भी उनमें से 2-3 पार्षद तो लगातार पिछली 3 बार से पार्षद है, कोई 2 बार से पार्षद हैं और वो ही उदम करते हैं। उनने कभी भी पहले पार्षद में पहले भी मीटिंगें नहीं होने थी, इस बार इस पार्षद में उनका बहुमत नहीं है, नहीं अभी भी मीटिंगें नहीं होने थे। वो सभी वार्डों में 23.5 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी मिली है, तो इसमें एक भी वार्ड ऐसा नहीं है जो कि जिसमें निर्माण काम से वंचित रहा हो। सभी वार्डों को समान रूप से विकास कार्य स्वीकृत किए गए, लगभग 23 करोड़। कुछ विपक्षी जो पार्षद थे वो हंगामा करते रहे, उनका आरोप था कि हमारे वार्डों में विकास कार्य नहीं हो रहे। एजेंडा तो 2 दिन पहले जारी कर दिया था और सारे पार्षदों के पास एजेंडा था, उस एजेंडा में सारे निर्माणकार सम्मिलित थे और उन्होंने बखूबी से देखा भी था। कुछ पार्षदों के मुझे जो देखने में लगा कि वो प्रायोजित तरीके से हंगामा के उद्देश्य से, लड़ाई झगड़े के उद्देश्य से ये मीटिंग आयोजित करते हैं, जबकि ऐसा कोई नहीं था, कोई पार्षद या कोई वार्ड ऐसा नहीं था जिसमें कि निर्माण काम शामिल नहीं किए गए हों। लगभग कोई मेन विकास कार्य जो शहर के लिए उपलब्धि रही हो इस बार? मेन उपलब्धि ये रही शहर के सौंदर्यीकरण के लिए डिवाइडरों पर रेडस्टोन से जाली और प्लांटेशन और 4 स्वागत द्वार इसमें शामिल किए गए हैं, जिससे शहर को सौंदर्यीकरण लगेगा कि शहर का विकास हो रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।